ईद उल अजहा व आगामी त्योहारों को लेकर जनपद बिजनौर के सिहारा थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाध्यक्ष राजीव चौधरी ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। थानाध्यक्ष ने अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने ईद उल अजहा का त्यौहार नगर व देहात क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने, आपसी भाईचारा कायम करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए धामपुर सीओ इंदु सिद्धार्थ ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के बाद अवशेषों को गड्ढे में दबाएं, सफाई का ध्यान रखें, किसी झूठी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का हर संभव सहयोग करें। श्रावण मास के चलते एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए शहर इमाम मौलाना कामिल ने सभी लोगों से ईद उल अजहा का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाने की अपील की और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर थानाध्यक्ष राजीव चौधरी के अलावा थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। उधर झालू नगर में कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा बकरीद के मद्देनजर एक शांति समिति की बैठक पुलिस चौकी प्रांगण में हुई, जिसमें हल्दौर कोतवाल उदय प्रताप ने कहा कि त्योहारों को ऐसे मनाएं कि एक दूसरे को आपस में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस मौके पर मंदिर मस्जिद कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। नजम सिद्दीकी और तुआसीन कसार की रिपोर्ट।